नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में ये एक्ट दोस्तों आया था, जिसमें कि कुछ बातें बताई गई कि कब किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जानी चाहिए जो कमर्शियल क्वांटिटी में इन्वॉल्व हो। मतलब कमर्शियल क्वांटिटी अगर किसी के पास से बरामद हो गई तो उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों एनडीपीएस जैसे केसेस में कई बार हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग सेक्शंस पर भी वीडियो बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं या बेल पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सारी वीडियोस देखेंगे, मेरा मानना है कोई किसी तरह का सवाल आपके दिल में बचेगा ही नहीं एनडीपीएस केस को लेकर। एनडीपीएस में अगर हम बात करें तो बेल की, अगर हम बात करें बेल के प्रोविजंस में क्या बोलता है देश का कानून, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में ये एक्ट दोस्तों आया था, जिसमें कि कुछ बातें बताई गई कि कब किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जानी चाहिए जो कमर्शियल क्वांटिटी में इन्वॉल्व हो। मतलब कमर्शियल क्वांटिटी अगर किसी के पास से बरामद हो गई तो उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ सेक्शन 37 जो एनडीपीएस एक्ट का है सिर्फ यही नहीं कहता, इसके ऊपर जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट के कि जब एक बार बेल दे दी गई सेशंस कोर्ट के द्वारा, मतलब जो ट्रायल कोर्ट होता है, स्पेशल कोर्ट होता है एनडीपीएस का, जब वहां से बेल दे दी गई तो हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन लगाया गया सेक्शन 37 को देखते हुए और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखते हुए, और जब हाई कोर्ट ने बेल दे दी तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और बेल को कैंसिल करवाया गया। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा तीन ऐसी बातें कि क्यों एनडीपीएस के केसेस में जब कमर्शियल क्वांटिटी आती है तो बेल आपको नहीं मिल पाती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, इसका नाम है फाइट फॉर ट्रू, मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों एनडीपीएस को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि एनडीपीएस है क्या। एनडीपीएस मतलब कि कोई भी मादक पदार्थ या फिर कहें नशीले पदार्थों का जो भी कोई निर्यात करता है, आयात करता है, अपनी कस्टडी में रखता है या उसके पास से ऐसी बरामदगी होती है जो कि किसी भी तरह से नशीले पदार्थ है जो कि बैन किए हुए हैं अपने देश में, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यही बोलता है। दोस्तों बेल लेना आसान नहीं, लोगों की बेल होती नहीं, और जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बोलता हूं कि आपके पास कोई भी ऐसा केस आता है तो आपको बात पता होनी चाहिए कि एनडीपीएस केस में कमर्शियल क्वांटिटी में जल्दी से बेल नहीं मिलती है, आपको अपने ट्रायल पर ध्यान देना चाहिए। अगर ट्रायल में आप अपने गवाहों को तोड़ पाते हैं तो आपकी बेल निश्चित हो जाएगी और आप केस से बरी भी हो जाओगे, वरना आपको सजा भी होगी और आपकी बेल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो कन्विक्शन रेट है, मतलब जो सजा दी जाती है लोगों को, ये बहुत ज्यादा हाई है। मतलब मैक्सिमम लोगों को सजा हो जाती है, बहुत कम ही लोग हैं जो कि बरी हो पाते हैं। कौन से हैं तीन कारण जिसकी वजह से बेल नहीं होती, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, खुद एनडीपीएस जो एक्ट है, ये खुद इसका सेक्शन 37 ये बात बोलता है कि बेल नहीं दी जानी चाहिए किसी को अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आपने पकड़ा है। पहली बात तो दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें तीन क्वांटिटीज में बात की जाती है। पहला होता है स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा होता है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, और तीसरा होता है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी में कोई अगर अरेस्ट हुआ तो मान लीजिए बेल नहीं होगी, पूरा ट्रायल खत्म करके ही बाहर आएगा। बेल हालांकि आपको लगानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेल आप बिल्कुल ना लगाएं, बेल लगानी चाहिए, बेल आपकी बिल्कुल हो सकती है, बट वहां ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं। सेक्शन 37 क्या बोलता है, मैं इंग्लिश में पढ़ के पहले आपको बताता हूं, वो इजीली आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो हिंदी में ही बताएंगे। सेक्शन 37 स्टेट्स दैट बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड Unless the accused is able to satisfy, मतलब कि जब तक बेल नहीं दी जानी चाहिए किसी भी accused को, जब तक कि वो सेटिस्फाई ना कर दे, दो बातों के लिए दो conditions हैं, court को satisfy करना पड़ेगा। क्या? Reasonable ground for believing that the accused is not guilty. सबसे पहली बात तो आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी और कोर्ट को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है वो नॉन गिल्टी है, मतलब कि उसने अपराध किया ही नहीं, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात बन जाती है किसी भी वकील साहब के लिए जब कोर्ट में खड़े होकर जिरह करते हैं। वक्त लगता है, पर अक्सर मैंने देखा है कमर्शियल क्वांटिटी में ही क्यों ना कोई व्यक्ति पकड़ा गया हो, फैमिली वाले बहुत जल्दबाजी करते हैं, बेल लगाओ बेल लगाओ बेल लगाओ, बार बार बेल लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, डिसमिस करा के बेल वापस आ जाते हैं और कुछ उन्हें मिलता नहीं। तो पहली बात तो यह है कि आपको अपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप नॉन गिल्टी हो, आपने अपराध नहीं किया है। देखो दूसरी बात ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कि जो अब द्वारा फ्यूचर में ऐसा अपराध नहीं करेगा, जो कि अनसर्टेन है, इस पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसी की कि वो फ्यूचर में अपराध नहीं करेगा, तो दूसरी बात तो आप फुलफिल करो ना करो बात अलग है, पर पहली बात ही इतनी ज्यादा सीरियस बन जाती है कि किस तरह से आप कोर्ट में ये प्रूव करेंगे
कि आपने अपराध नहीं किया। अब आप अलग अलग ग्राउंड बनाकर बेल लेने चले जाते हो और बेल आपको नहीं मिलती है। सबसे पहले ट्रायल पर ध्यान दो, वरना आपकी बेल नहीं होगी। आप केस लड़ते रहोगे और एंड में सजा हो जाएगी। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, बस पैसा खर्च करते रहोगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों। अगर पैसे से ही आप कोर्ट को खरीद सकते या पैसे से ही केस को खत्म कर सकते या बेल ले सकते, तो इतने बड़े बड़े नाम जो कि जेल में है सजा हो गई, जैसे बापू आसाराम है, या फिर हम राम रहीम की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें नीरव मोदी की जो देश छोड़कर भाग गया, और भी ऐसे कई लोग जो देश छोड़कर भाग गए। तो मतलब पैसा देकर आप बेल नहीं ले सकते, पैसा देकर आप केस खत्म नहीं कर सकते, पर हाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बायस जरूर करा सकते हो, छेड़छाड़ करा सकते हो, वो बात अलग है। बट कोर्ट में जैसे ही आओगे वहां पर चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है। दोस्तों आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी नए वकील साहब हैं, अभी आपने अपनी वकालत शुरू की है, मतलब प्रैक्टिस शुरू की है, या आप में से कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, या फिर आप पर कोई भी एनडीपीएस केस हुआ है, वीडियो बहुत आपके काम का है, वीडियो को पूरा देखें। और भी हमारी बहुत सारी एनडीपीएस पर वीडियोस हैं, उन्हें भी देखोगे तो एनडीपीएस के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, आप जान पाओगे। हम अपने सभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करते हैं, क्या कुछ होता है कोर्ट में। कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। हो सकता है हमारे किसी सलाह से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, कि क्यों आपको बेल नहीं मिलती है। दोस्तों कभी भी आप सेशन कोर्ट से बेल ले लोगे ना, तो आपकी 100% स्टेट आपकी बेल को अपोज करने के लिए, मतलब बेल को फिर से कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट से आप बेल ले लोगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब एनडीपीएस वालों के लिए ये डगर बिल्कुल भी आसान नहीं है। बेल डिसमिस होनी ही है बाद में भी, और अगर डिसमिस नहीं भी हुई, अच्छे ग्राउंड्स हुए, तो आपको बेल परमानेंट मिलेगी और आप कैसे बरी भी हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको एक जजमेंट देता हूं दोस्तों, जो बेल डिसमिस कराने के लिए खुद सीबीआई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेल डिसमिस की जाए, हाई कोर्ट ने बेल दे दी, जो कि सीबीआई वर्सेज खलीलुद्दीन 2023 का जजमेंट है, इसको आप पढ़ना दोस्तों। बेल आपको मिल भी गई तो भी आगे जाके डिसमिस हो जाएगी, अगर आपने कोर्ट को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया कि आप बिल्कुल इस केस के अंदर आप निर्दोष हो, आपको झूठी तरह से फंसाया गया है, या फिर कोई कानून टूटा हो, जैसे कि सेक्शन 50 का सही से कंप्लायंस ना किया गया हो, और भी कई सारी चीजें होती हैं, या फिर सैंपलिंग में गड़बड़ हुई हो, तो भी आप उस केस से पूरी तरह निकल सकते हैं। या फिर एक और जजमेंट मैं आपको देता हूं, फूलचंद वर्सेज एनसीबी, इसमें भी आप देख सकते हो जहां पर कि बेल कैंसिलेशन के लिए गए थे। हमारे पास दोस्तों आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर की लोग बेल कैंसिलेशन के लिए हमसे बात करते हैं कि सर मेरी बेल कैंसिलेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है, उस पर आर्ग्यूमेंट करवाना है। तो अक्सर देखा जाता है बेल आप ले भी लोगे तो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टेट चला जाएगा बेल कैंसिल कराने के लिए। और जो मैंने आपको जजमेंट अभी दिया है, जजमेंट को आप पढ़ोगे समझ जाओगे। फिर भी डिटेल वीडियो चाहते हो इन जजमेंट्स पर, कमेंट बॉक्स में बोलना, हम उस पर भी वीडियो लेकर जरूर आ जाएंगे। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं कि क्यों एनडीपीएस वालों की बेल नहीं होती। कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपको मिल गई, कमर्शियल क्वांटिटी किसी के पास से बरामद हो गई, तो बेल नहीं होगी। क्या तीसरा कारण है दोस्तों? सबसे बड़ी बात दोस्तों होती है सजा की। सजा में क्या बोलते हैं? पहली बात तो तीनों ही मामले जो है ये नॉन बेलेबल है, चाहे तो स्मॉल क्वांटिटी हो, चाहे इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, फिर चाहे कमर्शियल क्वांटिटी हो, तीनों ही नॉन बेलेबल अपराध है, पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। और जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा आपकी सजा और फाइन भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर किसी भी केस के अंदर 250 ग्राम अगर कमर्शियल क्वांटिटी है, अब इसको बढ़ाते जाओ, अब 250 ग्राम की जगह आप 25 किलो कर दो, 30 किलो कर दो, 50 किलो कर दो, तो सजा उतनी ही ज्यादा आपकी बढ़ा दी जाएगी, और फिर आपको ज्यादा से ज्यादा फाइन भी देना पड़ेगा, सजा भी पूरी काटनी पड़ेगी। आप अपील में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कि मेरी सजा माफ कर दी जाए, फिर भी सजाएं माफ नहीं होंगी। बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के अपराध अपने देश में ये माने जाते हैं, और सजा को देखा जाए तो सजा दोस्तों उम्र के हद तक की है, इवन आपको डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है, डिपेंड करता है केस टू केस। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है एनडीपीएस केस को लेकर, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप कॉल कर तो भी आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हो सकता है इसमें हम आपकी कोई मदद कर सके। अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।